Okay, good morning everyone. I don't know why we have joined this that group, that meeting. अगर ऐसा हुआ तो आज का डेट का थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों ने, और मैंने जो अभी कोड भेजा है आप सबने उसको ही यूज करना है, ठीक है? सो डायरेक्टली आई विल स्टार्ट माय लेक्चर. ओके, आई एम नॉट वेटिंग फॉर Anyone now? We'll start with whoever he is present over here. Okay, so let us move to this topic. Today's topic is we'll take a numericals on aeration in a sedimentation tank. Okay, so very quickly we'll see first what are the design criteria for cascade aerators. You know, theory part we have seen the cascade aerator, how it works, what is the unit operation which incorporated in this, okay, how oxygen get reduced and what it is removing of, everything in theory portion we have seen, but now the design parts we have not seen. If you see this, this is the real picture, okay, this is the actual aeration tank. If I try to draw the schematic diagram of this, so it could be like this. Okay, where you can see this is the your tub, this tub you can see here, this is like tub. ये आपको ये tub दिखेगा जिसमें आपका जो water है ये collect हो रहा है कहाँ से. Here is a inlet pipe. यहाँ आपका ऐसा एक inlet pipe है जहाँ से water आपका बाहर की तरफ में spill होना शुरू हो जाता है. Okay, and uniformly it is spill. ओके, आपका यूनिफॉर्मली वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा. नाउ जैसे ही वाटर आपका इस सेंटर पाइप से ये आया आपका टॉप में, एंड देन वाटर विल बी लाइक ड्रॉप ऑन दिस, स्प्लैशिंग ऑन दिस, देन अगेन स्प्लैशिंग ऑन दिस, देन अगेन स्प्लैशिंग ऑन दिस, एंड देन वाटर विल बी कलेक्टेड ओवर दिस ट्रफ. ओके, ये ट्रफ में आपका जो वाटर है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा. ओके, ये एक साइड से नहीं, आपका दोनों साइड से होगा. स्प्लैशिंग ऑफ वाटर विल बी हैपन लाइक दिस. ओके, एंड द वाटर विल बी कलेक्टेड ओवर हियर. ओके, नॉर्मली जो एरिएशन का डिजाइन है वो आपका उसका जो टोटल हाइट होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 meter. ठीक है, एक स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हम 2.5 टू 3.5 मीटर हम जनरली कंसिडर करते हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन द फ्लो, आपका फ्लो कैसा है ये इस पे भी डिपेंड करेगा. ओके, नाउ इफ यू सी द स्टैंडर्ड, सो एरिया रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन ऑफ एरिएटर, यू मिनिमम यू रिक्वायर दिस मच एरिया, हाउ मच, 0.015 टू 0.045 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब पर आवर. ठीक है, इतना आपको एरिया का रिक्वायर्ड तो है. Number of cascade you can make three minimum, one as well, that is also okay. But अगर आपका flow ज़्यादा है, ज़्यादा MLT होगा, तो आपको उसके accordingly आपके number of aerators आपको बढ़ाने पड़ेंगे. So generally it happens that 3 to 9 हम उसमें provide करते हैं. ठीक है, height of aerator is normally 1 to 3, somewhere you can see it is 2.5 to 3.5 standard मान के चलते हैं. Rise of each step will be 20 to 50 centimeter. ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज आती है, one is rise, another is a trough. ठीक है, आपने शायद BMCT में भी पढ़ा होगा. This is known as riser. ये जो है, this is known as riser. इसको हम बोलते हैं राइजर. ठीक है, दिस इज राइजर, और ये जो पोर्शन होता है दिस इज ट्रफ. ठीक है, RNT, ये दोनों भी आपको पैरामीटर को निकालना है, डिजाइन करना है इसमें. सो राइजर ऑफ ईच स्टेप शुड बी कितना, 20 से 50 सेंटीमीटर आपको, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50.
मिनिमम 20 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर, इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. वेलोसिटी ऑफ इनलेट पाइप इट शुड बी 0.3 to 0.9 meter per second. आई रिपीट 0.3 to 0.9 meter per second. बहुत जगह में आप 0.3 meter per second अज्यूम करते हो वेलोसिटी ऑफ आपका इनलेट पाइप. ठीक है, कई सारे न्यूमेरिकल्स में उसको इस तरह से अज्यूम करते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस डिजाइन, तो क्वेश्चन विल बी लाइक आस, डिजाइन अ कैस्केड एरिएटर फॉर इनफ्लो 12 mld, अज्यूम अदर डेटा सुटेबली. आई रिपीट, डिजाइन अ कैस्केड एरिएटर फॉर इनफ्लो 12 mld, अज्यूम अदर डेटा सुटेबली. यहाँ हम 12 mld के लिए देख रहे हैं. ओके, दिस विल बी योर होमवर्क दैट एज पर योर रोल नंबर यू हैव टू टेक द mld. ठीक है, अगर आपका रोल नंबर 1 है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10. सो यू विल टेक व्हाट, आपको लेना पड़ेगा 10 mld. ये आपको मैं होमवर्क बता रहा हूँ आपको, बराबर है, इसे प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, तो जो भी आपका 1 से लेके 72 अगर आपका रोल नंबर होगा, 75 आपका रोल नंबर होगा, जो भी आपका रोल नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 10. सो दैट विल बी योर mld फॉर योर असाइनमेंट. आई विल पोस्ट लेटर ऑन, बट वर्बली आई एम टेलिंग यू दिस. ठीक है, सो आपको ये यहाँ जो हम बता रहे हैं, दैट इज फॉर 12 mld. सो यू हैव टू डिजाइन एज पर योर रोल नंबर. ओके, सो जब हम डिजाइन ऑफ इनलेट पाइप बोलते हैं, डिजाइन ऑफ इनलेट पाइप यानी क्या होगा, यहाँ पे डिजाइन ऑफ इनलेट पाइप यानी कि ये वाला. ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा एक पाइप डिजाइन करेंगे, तो उसका हम बात कर रहे हैं. तो फ्लो क्या है हमारा, फ्लो इज योर 12 mld. ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 12 mld. 12 mld यानी क्या है, 12 million liters per day. आई रिपीट, इट इज 12 million liters per day. ओके, सो इट इज 12, और दिस इज नॉट 106. ओके, ये आपका 106 नहीं है, काइंडली प्लीज नोट डाउन, दिस इज 10 to the power 6. इट इज लाइक दिस, वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया. This is 10 to power 6. Why we are writing 10 to power 6? Just because of million. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं million. That's why. तो इसलिए हमने उसको लिखा है 10 to power 6. Also we have multiplied with 10 to power minus 3. ठीक है, हमने क्या किया, multiply किया है 10 to power minus 3 से. ये क्यों हमने किया है, क्योंकि आपका जो question में दिया है it is in liters. ये आपका देखो, ये आपका लीटर्स में, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूँ. अगर मुझे इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो ये जो भी आपका वैल्यू है, 12 into 10 power 6, दिस विल बी 12 mld. मुझे अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, सो आई हैव टू डिवाइड बाय 10 to the power minus 3, तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब में. ठीक है, अब ये आ गया आपका, और यहाँ पे आपका देखो ये टाइम पीरियड है डी डे. ठीक है, तो इसलिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, दैट्स व्हाई 24. एक घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है, इसलिए 60, और एक मिनट में आपका 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए 60. सो व्हाट वी आर डूइंग, डिवाइड बाई 24, 60 and 60, सो दिस विल गिव यू 0.138 meter cube per second. ओके, फाइनली दिस विल गिव यू 0.138 meter cube per second. ये क्या हो गया, दिस इज अ डिजाइन ऑफ इनलेट पाइप. ये आपने क्या डिजाइन कर लिया यहाँ पे, आपने अभी यहाँ पे क्यू हमने निकाला है. ठीक है, फ्लो आपका दिया हुआ है, इनफ्लो आपका दिया था 12 mld, यहाँ पे हमने क्या निकाला, क्यू निकाला हम लोगों ने. नाउ वी हैव टू अज्यूम वेलोसिटी थ्रू पाइप. ओके, अज्यूम वेलोसिटी थ्रू पाइप 0.6 meter per second. अब ये देखो, हमने 0.6 क्यों लिया, मिनिमम इज योर 0.3 एंड मैक्सिमम इज योर 0.9. ठीक है, अगर आप इसका एवरेज लोगे तो दिस विल बी 0.6. हाँ, हेलो, 24 क्यों लिया सर, में हाँ ये वाला ना, मेरा जो कर्सर है. ओके, एक दिन में हमने क्या बोल रहे हैं, दिस इज 12 mld, मिलियन लीटर्स डे, इन ए डे कितना, 12 मिलियन लीटर्स. ठीक है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं,
24 घंटे होते हैं, बराबर है? That's why we are taking 24. Now, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं. एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं. That's why we are taking like 24 into 60 into 60. तो क्या हो गया, हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया. हाँ, तो हमने क्या किया, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, राइट? सो नाउ वी आर टेकिंग एज्यूमिंग वेलोसिटी, क्योंकि लोअर बाउंड आपका क्या बोलता है 0.3, मैक्सिमम बाउंड आपका क्या बोल रहा है 0.9. तो हमने क्या निकाला, उसका एवरेज निकाला, एंड वी आर एज्यूमिंग इट. सो वी आर टेकिंग 0.6 मीटर पर सेकेंड. नाउ एरिया ऑफ इनलेट पाइप क्या बोलता है, आपका डिस्चार्ज डिवाइड बाय आपका वेलोसिटी. हमने क्या निकालना, अभी एरिया निकालना है, ठीक है? तो एरिया कैसे निकलेगा, आपका डिस्चार्ज इंटू वेलोसिटी. अगर किसी को ऐसे डाउट होगा कि ये मतलब ये कहां से आपका आ गया है, ये फॉर्मूला कहां से आ गया है, सो वेरी बेसिक फॉर्मूला. क्यू क्या बोलता है, क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू इज योर एवी, एरिया इंटू, ये उसका बेसिक फॉर्मूला है, एरिया इंटू वेलोसिटी इज योर डिस्चार्ज, ठीक है? नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन दिस वी टू डिनोमिनेटर हियर. So now this area is equals to Q by V. तो हमने वहां से ये फॉर्मूला लिया है. So we know this Q. We know this Q. हमने ये ऊपर में कैलकुलेट कर लिया. That is 0.138. Also we know this V. We have assumed 0.6 meter per second. So simple calculation will do, and that will be 0.23. ठीक है? That will be 0.23 meters square. I repeat, meter square. Now अब पाइप का रहता है आपका सर्कुलर रहता है, आपका क्रॉस सेक्शन उसका सर्कुलर है, ठीक है? तो उसका जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम बात कर रहे हैं, सो दैट विल बी फॉर्मूला विल बी पाई बाय 4 डी स्क्वायर, वेयर डी पी स्टैंड फॉर डायमीटर ऑफ द पाइप. ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ यू रीअरेंज फॉर एवरीथिंग फॉर डी पी, हमने डी पी के लिए अरेंज किया, सो डायमीटर ऑफ इनलेट पाइप कुड बी 0.6 मीटर. ओके, समझ में आ रहा है ना? सी दिस इज वेरी बेसिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 5 मार्क में ही पूछने के चांसेस हैं. सिंपल क्वेश्चन है लेकिन 5 मार्क में या 7 मार्क में पूछ सकता है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज योर टू डिजाइन अ इनलेट पाइप. तो इनलेट पाइप डिजाइन करने के लिए आई एम रिपीटिंग अगेन, सो यू हैव अ फ्लो दैट इज 12 ml. ओके, इस 12 ml को हमने क्या किया, मीटर क्यूब पर सेकेंड में हमने कन्वर्ट किया. उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, मिलियन लीटर्स है, तो मिलियन के लिए हमने क्या किया 10^6, और लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए उसे हमने कर दिया डिवाइड बाय 10^3. नाउ फॉर दिस डे को हमने कन्वर्ट किया सेकंड्स में, तो फॉर दैट 24/60/60 उसे हमने डिवाइड कर दिया, एंड वी आर गेटिंग 0.138. नाउ वी आर अज्यूमिंग वेलोसिटी पाइप दैट इज 0.6 मीटर पर सेकंड. फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, द लोअर बाउंड इन स्टैंडर्ड इज 0.3 एंड अपर बाउंड इज 0.9. इफ यू टेक एन एवरेज, so that will come around 0.6. so that's why we are taking as a 0.6 meter per second. Now area of inlet pipe, this formula is coming from this rearrangement where q is equals to av, for we are arranging for a, so that is a q by v, so that is 0.138 by that is 0.23 meter square. Now we know this a pipe, a cross sectional area of a pipe is a circular one, so we'll take a formula for a circular shape, and that will be 0.4 d square. okay, that will be 0.4 d square. on that basis here we have find out the diameter of pipe is equals to 0.6 meter. okay, ye ek bar ka ho gaya, then we'll go for a design of aerator. okay, now assume area required for design of aerator. I repeat, assume area required for design of aerator that could be 0.03 meter square per meter cube per hour. okay, 0.030 meter square per meter cube per hour, we are assuming it. okay, now we have a discharge, we are having a discharge that is a 12 ml. okay, if you convert this in meter cube per hour, so that could be 500 meter cube. ab ye bologe ki 500 hi kyun aaya, तो हमने क्या किया, सिंपली डिवाइड बाय 24 किया है, जिससे हमने उसको मीटर क्यूब पर आवर में रखा है. व्हाई वी आर कीपिंग इन मीटर क्यूब पर आवर, यहाँ पे हमने मीटर क्यूब पर सेकंड में निकाला है, मीटर क्यूब पर आवर में रखा है, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दिस डिजाइन, वी आर एज्यूमिंग द एरिया इज इन द आवर पर आवर.
दिस इज बिकॉज द स्टैंडर्ड बोलता है कि पर आवर में रहना चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव कन्वर्टेड इन पर आवर. ओके, नाउ द एरिया ऑफ बॉटम कैस्केड एरिएटर, हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं? हम इस अगर मैं इस डायग्राम की अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ तो बॉटम का कैस्केड एरिया का बॉटम, कैस्केड एरिया का बॉटम, ये बॉटम क्या हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो एरिया ऑफ बॉटम कैस्केड एरिएटर इज 0.03 मल्टीप्लाई बाय 500. हमने क्या किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू को क्या किया, हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया एंड वी आर गेटिंग 15 मीटर स्क्वायर. ठीक है, आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये बॉटम का, दैट इज कमिंग 15 मीटर स्क्वायर. ओके, सो टोटल एरिया ऑफ बॉटम कैस्केड एरिएटर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बॉटम एरिएटर प्लस एरिया ऑफ इनलेट पाइप. ओके, यू जस्ट फॉरगेट दिस वन. वेयर इज माय कर्सर, you consider this much only. ठीक है, ये आपका कैस्केड एरिएटर का बॉटम हो गया. ठीक है, अब ये एरिया ऑफ बॉटम कैस्केड एरिएटर में क्या हो गया कि आपका जो ये पाइप का एरिया है ये आ रहा है. ठीक है, एरिया ऑफ ए बॉटम एरिएटर प्लस एरिया ऑफ ए इनलेट पाइप, आई रिपीट, एरिया ऑफ ए बॉटम एरिएटर प्लस एरिया ऑफ द इनलेट पाइप, ये दोनों मिला के आपका वो टोटल आपका एरिया बनेगा विच विल बी इक्वल्स टू 15 मीटर स्क्वायर. कहाँ से आ गया, दिस इज द बॉटम एरिया ऑफ द बॉटम एरिएटर जो हमने यहाँ पे निकाला है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस एरिया ऑफ इनलेट पाइप. ठीक है, एरिया ऑफ इनलेट पाइप कितना आया था अपना 0.62. ओके, सो सॉरी पाई बाय 4 डी, तो आपका ये आ जाएगा 15.28 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ 0.6, यू इग्नोर दिस थिंग्स, विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. या नाउ लेट अस अज्यूम दैट कि आपका जो यहाँ पे एरिएटर है, एरिएटर में हम 5 स्टेप्स प्रोवाइड कर रहे हैं. देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूँ, सो दिस विल बी 1, 2, 3, 4, ये डायग्राम में 4 हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वेयर एज इन दिस डिजाइन वी आर प्रोवाइडिंग 5 स्टेप्स. ओके, सो डायमीटर ऑफ अ बॉटम कैस्केड एरिएटर क्या हो जाएगा, 5/4, मतलब जो आपका बॉटम में है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो लोअर बॉटम में है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हमने 5 से डिनोट किया है, फिफ्थ वाला, तो उसका जो वैल्यू है दैट इज 15.28 जो हमने ऑलरेडी निकाला है. नाउ अज्यूमिंग हाइट ऑफ द एरिएटर, अब ये जो एरिएटर है इसके टोटल हाइट को हम अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन अज्यूम्पशन, ऐसा ये आपका पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा. ओके, तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट कि सबका आंसर सेम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. सो ये जो आपका टोटल हाइट है, दिस इज योर 2 मीटर, ये आपका 2 मीटर है इसमें. ठीक है, सो द अज्यूमिंग हाइट ऑफ द एरिएटर इज 2 मीटर, सो राइज ऑफ ईच स्टेप कितना हो जाएगा, वो टोटल हाइट को हम होते हैं राइजर से डिवाइड कर देंगे, सो ईच राइजर विल बी ऑफ 0.4 मीटर. हमने क्या किया, 2 मीटर को डिवाइड बाय 5, हमने 5 स्टेप्स दिए ना, तो क्या हो जाएगा, मोर टाइम आई विल टेल यू. Let us see, this is one, this is your one riser, this is your second riser, this is your third riser, this is your fourth riser. अगर इसके ऊपर मैं जाऊंगा like this, this will be your fifth riser. ठीक है, अब ये जो आपका total आपका जो height है that is your 2 meter, यहाँ से लेके यहाँ तक का. और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ये individual riser की height. So मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2 meter divide by नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि कितना, 5 स्टेप्स है, तो वो क्या आ जाएगा आपका 0.4 मीटर, यानी आपका जो एक राइजर है वो क्या हाइट हो जाएगा उसका 0.4 मीटर. ठीक है, एक राइजर की हाइट उसकी हो जाएगी 0.4 मीटर. नाउ डायमीटर ऑफ द फोर्थ कैस्केड एरिएटर, अब मैं बात कर रहा हूँ डायमीटर ऑफ द फोर्थ कैस्केड एरिएटर वुड बी 4.5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू आपका जो D4 यानी फोर्थ आपका जो कैस्केड डायमीटर है वो डिवाइड बाय 2 - 0.4, यानी कि आपका 2 मीटर में से 0.4 अभी माइनस कर दो. आपका जो फिफ्थ वाला कैस्केड था उसके जो राइजर है उसको हमने क्या किया, माइनस किया.
So this will give you 3.6. Okay, this will give you 3.6. Similarly, we'll go for a third cascade aerator. और उसमें क्या करेंगे, नीचे का 0.4 यानी फिफ्थ वाला और आपका जो फोर्थ वाला है, ठीक है, आई रिपीट, जो आपका फिफ्थ वाला एंड फोर्थ वाला जो राइजर है उसको प्लस करके हम टोटल हाइट में माइनस कर देंगे. सो दैट विल बी योर 0.8. ठीक है, सो सॉरी 2 - 0.8, सो दिस देन यू विल गेट द डायमीटर ऑफ द कैस्केड एरिएटर कुड बी फॉर थर्ड स्टेप कुड बी 2.7. सिमिलरली विल गो फॉर सेकेंड वन एंड सिमिलरली विल गो फॉर फर्स्ट वन. सो फॉर D2 विल गेट अ 1.8 एंड फॉर D1 वी आर गेटिंग 0.9 मीटर. ओके, एवरीथिंग वी आर कैलकुलेटिंग इन द मीटर्स. ओके, सो इन दिस वे, सो इन दिस वे वी आर टेकिंग इट. तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका आपका डायमीटर निकाल रहे हैं आपके कैस्केड का. ओके, अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये 4.5 आपका आया कहाँ से, हमने ये कहाँ से अज्यूम कर लिया इसको. नो, वी आर नॉट अज्यूमिंग इट. हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था डायमीटर बॉटम कैस्केड, तो इसमें ये हमने D5 निकाला है. यू कैन सी ये जो D5 की वैल्यू है दैट इज 4.5. ठीक है, आपका ये कहाँ से आया, आपका जो बॉटम कैस्केड था उसमें आपका टोटल एरिया, आपने कैस्केड का एरिया प्लस आपका इनलेट पाइप का एरिया लेके आपने उसे कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल्स टू 15.28. ऑन दैट बेसिस ओनली वी हैव कैलकुलेट दिस डी. और यही डी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार हम लोग उसमें यूज करते आ रहे हैं डिफरेंट स्टेप्स ले, डिफरेंट कैस्केड के लिए. ओके, नाउ डिजाइन ऑफ द कलेक्टिंग चैनल. अभी डिजाइन ऑफ द कलेक्टिंग चैनल का मीनिंग क्या है, दिस इज योर कलेक्टिंग चैनल, ये आपका कलेक्टिंग चैनल है, दिस इज, दिस ट्रफ इज योर कलेक्टिंग चैनल. आपको इसका भी डायमेंशन देने पड़ेंगे. सो डायमेंशन ऑफ कलेक्शन चैनल क्या हो गया, 4.5 क्या हो गया इसमें डायग्राम में, 4.5, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. 4.5 क्या हो गया, 4.5 इज दिस मच, ये हो गया आपका 4.5. ठीक है, प्लस ये हो गया आपका 1 मीटर और ये हो गया आपका 1 मीटर. दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस मच, ये जो आपका रेड पोर्शन दिख रहा है दिस इज योर 4.5. ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा, 4.5 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, आपने इसको नोट किया यहाँ पे एंड दिस विल गिव यू 6.5 मीटर. होल्ड ऑन, नाउ वी आर गेटिंग, मेरा होगा तो बोल दे मैं इधर हूँ क्लास में. नाउ इट विल कमिंग, नाउ इट इज कमिंग 6.5 मीटर द टोटल लेंथ. नाउ हियर आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द स्मॉल क्यू, दिस विल बी कम बाय हियर दिस कैपिटल क्यू बाय 2, यानी आपका टोटल डिस्चार्ज डिवाइड बाय 2. सो दिस विल, दिस विल कम लाइक 1.375 b इनटू h इनटू 3/2, वेयर एज व्हाट इज q, q इज अ डिस्चार्ज थ्रू चैनल इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, बी इज अ विड्थ ऑफ चैनल इन मीटर और एच इज द हाइट ऑफ द चैनल. ओके, सो ऑन दिस बेसिस ओनली वी विल कैलकुलेट. नो समवन से कि ये q कहाँ से आ गया, सो सॉरी ये 1.3 ये कहाँ से आ गया, सो q यानी क्या, ये इतना क्वेश्चन आपका यहाँ पे q है. ओके, नथिंग बट रीअरेंजमेंट ओनली. ओके, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर कैपिटल क्यू. सो इफ यू कैलकुलेट एवरीथिंग, ठीक है, सो दैट विल बी 0.138/2 इज इक्वल्स टू 1.375 इनटू h इनटू, सॉरी इनटू 1 इनटू h 3/2, सो दिस विल गिव यू h इज इक्वल्स टू 0.14 मीटर. तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट है, ये जो आपकी हाइट है, दिस विल बी 1.4, ये जो हाइट ऑफ ट्रफ हो गई, दिस विल बी 1.4, ये आपका 1.4 इसका हाइट हो जाएगा. ओके, सो लाइक दिस आपका ये कंप्लीट, आपका कैस्केड एरिएटर कंप्लीट होता है. मिनिमम दिस विल बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स, मैक्सिमम इन 7 मार्क्स, तो ये आने के चांसेस होते हैं.
मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में तो ये क्वेश्चन नहीं देखा है, बट एज फार एज लास्ट वाला स्टेप बताना फिर से, डिजाइन ऑफ कलेक्शन चैनल वाला. डिजाइन ऑफ कलेक्शन चैनल, ओके. नाउ डायमीटर ऑफ ए कलेक्शन चैनल आपका जो ये है, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस डायग्राम. एक मिनट होल्ड करो. कि यहाँ पे कलेक्शन चैनल बोलने का मतलब क्या होगा कि यहां से लेके यहां तक का जहां पे आपका वाटर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं. अब यहां से लेके साइड का जो बेस है उसको हमेशा 1 मीटर ही लेना है क्या? नो, हमेशा 1 नहीं लेना है, दिस इज अजम्पशन. तो ये क्या हो गया, दिस इज 4.5, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर 4.5. We are assuming that कि ये जो आपका है ना, we are keeping at a 1 meter. हम assume कर रहे हैं. मैं वही बोल रहा हूँ कि ये design से पहले कैसा है, अगर ये अगर आपको mandatory 1 लेना है तो आप 1 लीजिए, कोई problem नहीं है. मैंने starting में भी कहा. Range क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं सब? No, it has no range. Okay, कितना? The collection, simply collection है ना. इसका फर्क कहीं और कुछ पड़ नहीं रहा. सिंपली कलेक्शन है आपका, वाटर कलेक्ट कर रहे हैं. सो यू कैन गो सिंपली बाय 1. आपको अगर 0.5 करना है तो 0.5 भी कर सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक है. सो लाइक दिस 4.5, दिस इज 1, ओके. सिमिलरली दिस विल बी 1, सो हियर टोटल कुड बी 6.5, ओके. सो लेट अस गो विद दिस टॉपिक, दिस न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल. The average daily demand at a town has been estimated as 8 million liters per day. I repeat, वहाँ 12 MLD पढ़ रहे थे, वो area तो रख लेता, ठीक है? ये question में हम अभी जो देख रहे हैं, this is for the sedimentation time. So we are having a data of 8 MLD, 8 million liters per day. Design a suitable sedimentation tank, assuming a detention period. Assuming, हम यहाँ पे हमको question में दे दिया है, क्या assume करना है, क्या मान के चलना है, that the Detention time will be 5 hours and the velocity of flow will be 22 centimeter per minute. ये तीन data आपको दिया हुआ है और इसके basis में बोल रहा है कि आप sedimentation time को design कीजिए. I repeat, एक तो दिया है कि 8 MLD है, दूसरा आपको जो detention hour use करना है, that is a 5 hours. आपको तीसरा दिया है आपको velocity of flow, that is 22 centimeter per minute. So let us move forward. So here, average daily demand is 8 million liters. Average daily demand is 8 million liters. Okay, now what we are doing, we are using a factor of safety. Hum yahan pe 1.8, yahan pe ab dekho, this is an average of daily demand. But we are now calculating for a maximum daily demand. Theek hai? Ye aapka average daily demand hai, but we are calculating now for a maximum daily demand. So you go with this 1.8. In some books, you may refer for 1.5, but I will suggest you go for 1.8. Okay, कुछ books में हो सकता है कि 1.5 को ही consider किया होगा, but I will refer and I will suggest you go with this 1.8. Okay, so if you multiply with this, so we are getting 14.4 million liters. Okay, 14.4 million liters. अब ये million liters को हमने क्या किया? Liters में simply liters में हमने convert किया. So what we are doing, we are multiplying with 10 power 6. So ये आपको क्या हो गया, liters में convert हो गया. अगर इसी liters को मुझे अगर meter cube में convert करना रहेगा, so what I have to do, I have to divide by 1000. तो अब उसको मैं जब 1000 से divide करूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, meter cube में convert हो जाएगा. Now quantity of water to be treated during a detention period of 5 hours, as it is mentioned in our given data, 5 hours आपको लेना है. So आपका जो 14.4 लीटर 10 पावर 6 लीटर्स है, हमने क्या किया, उसको डिवाइड बाय 24 किया. सो क्या दे दिया इसने, पर आवर के बारे में बात कर लिया. बट वी आर इंटरेस्टेड फॉर व्हाट, वी आर इंटरेस्टेड फॉर 5 आवर्स, सो वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 5. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज 3 * 10 पावर 6 लीटर्स. आई रिपीट, व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर इज 3 * 10 पावर 6 लीटर्स, 3 * 10 पावर 6 लीटर्स, ओके. अब ये जो 3 × 10⁶ लीटर्स है, अगर मुझे इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना रहेगा, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिवाइड बाय 1000. आपने उसको डिवाइड बाय 1000 किया, सो
आपको ये मिल जाएगा 3000 मीटर क्यूब में. ओके आपने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया 3000 मीटर क्यूब में. सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, फाइनली वी आर सेइंग दैट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, द वॉल्यूम ऑफ टैंक इज हाउ मच, 3000 मीटर क्यूब. बहुत सी जगह में क्यूबिक मीटर है, कई जगह पे मीटर क्यूब लिखा रहेगा, दोनों भी एक ही चीज है, कंफ्यूज होना नहीं है आपको. ठीक है, नाउ अगेन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज गिवन, हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर पर मिनट. ओके वेलोसिटी ऑफ फ्लो टू बी मेंटेन थ्रू द टैंक इज 22 सेंटीमीटर पर मिनट. सो हमने क्या किया, इस सेंटीमीटर को हमने चेंज किया इन मीटर्स, यू कैन सी इट. हमने क्या किया, 22 सेंटीमीटर को हमने क्या कर दिया, मीटर में चेंज किया. एंड वी आर राइटिंग लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ फ्लो टू बी मेंटेन थ्रू द टैंक इज 0.22 मीटर पर मिनट. सेंटीमीटर को हमने क्या कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया. नाउ द लेंथ ऑफ द, आई रिपीट, द लेंथ ऑफ द टैंक रिक्वायर्ड दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनटू डिटेंशन पीरियड. अभी कहां से आ गया ये, कहां से आ गया आपको बेसिक, वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूला, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. वही आप फॉर्मूला अब यूज कीजिए, लेंथ बाय टाइम, अब उसी फॉर्मूला को आप यूज करो. सो यू कैन राइट लाइक दिस, length is equals to velocity of flow multiplied by your detention period. So your velocity of flow is 0.22 meter per minute and your detention period is 5 into 60. So it is in 66. Okay. क्यों हमने उसको 60 से किया, क्योंकि 5 is your hour, ये आपका एक hour है, sorry ये 5 hours है, इसको हमने क्या करना है, minute में change करना है. Why we are changing it, because यहाँ पे minute में दिया है, क्योंकि ये पैरामीटर और ये, सॉरी ये यूनिट और ये यूनिट सेम रहेगा, तभी हम उसमें हमारा मैथमेटिकल रूल यूज कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, उसको 5 आवर्स को हमने क्या कर दिया, मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया. सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर इज 66 मिनट. तो व्हाट इज दिस, तो एक सेडिमेंटेशन टैंक जो आपका है, इस सेडिमेंटेशन टैंक का जो टोटल लेंथ आपका होता है, वो इस फिगर के न्यूमेरिकल के हिसाब से इज योर 66 मिनट्स. नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ टैंक, ओके क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक, ठीक है. सो वी आर हैविंग द कैपेसिटी, यानी आपका क्या, आपके पास में वॉल्यूम आपके पास अवेलेबल है. अगर उसको मैं डिवाइड बाय लेंथ कर दूं, सिंपल फॉर्मूला है, वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम इज योर एरिया, ठीक है, एरिया बाय लेंथ. तो हमने क्या करना है यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शन एरिया ही निकालना है. सो हम क्या करेंगे, इस एल को इस एलएचएस में डिनोमिनेटर में रख देंगे लाइक दिस. सो एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ. सो वी आर हैविंग अ वॉल्यूम 3000, वी आर हैविंग अ लेंथ ऑफ टैंक इज 66. इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट 45.45 मीटर स्क्वायर. आई रिपीट, दिस विल गिव यू 44.45 मीटर स्क्वायर. ओके तो यू कैन राउंड ऑफ एंड यू कैन राइट 45.5, दैट इज आल्सो ओके. इफ यू कीप एज इट इज 45.45, दैट इज आल्सो ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए. नाउ एज्यूमिंग वाटर डेप्थ इन अ टैंक एज 4 मीटर, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं डेप्थ ऑफ वाटर इज एज्यूम, वी आर एज्यूमिंग एज अ 4 मीटर. इन सम बुक्स यू विल सी इट इज 3 मीटर. आपका जो नॉर्मल डेप्थ होता है, आप कोई भी हाइड्रोलिक वाला जब भी पढ़ोगे आप, तो 4 मीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए. एंड स्टैंडर्ड के तौर पे अगर देखे तो 3, कभी 3 आप ले सकते हो, कभी आप 4 भी अज्यूम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. द विड्थ ऑफ द टैंक वुड बी, आपका जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा, दिस इज योर एरिया. इस एरिया को अगर मैं विड्थ के साथ में, सॉरी डेप्थ के साथ में डिवाइड कर दिया, so I will get my width, that will be 11.37 meter. You can write it round off it, you can make it 11.5, but okay, agar aapne usse same laga as it is, 11.37, that is also okay, not an issue. Hence size of the tank, agar ye tank hai aapka, theek hai, so this could be your length, that is a 66 meter. Aapko ye diagram banana compulsory exam mein bhi, okay. Now 66 is your meter. उसके बाद में आपने क्या निकाला, उसके बाद में आपने निकाला विड्थ. विड्थ इज लाइक दिस,
तो ये जो विड्थ है, इस विड्थ का डायमेंशन हो गया 11.5, और ये जो आपका डेप्थ हो गया, तो ये डेप्थ इज योर 4 मीटर, ठीक है। तो ये 4 हो गया आपका, ठीक है, आपका ये 11, आपका ये लेंथ हो गया 11.37, ये विड्थ हो गया आपका 11.5। सो अगेन वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड इजी वे टू सॉल्व दिस सेडिमेंटेशन टैंक। ये क्वेश्चन भी पूछने के 100% चांसेस होते हैं। दीज आर द क्वेश्चन विच आर वेरी फेवरेट फॉर द एग्जामिनर्स। तो अगेन अगेन एज पर योर रोल नंबर यू चूज योर MLD मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। आपको उसी तरीके से काम करना है, ओके। सो ये भी आपका असाइनमेंट में रहेगा क्वेश्चन। नाउ लेट अस गो विद द थर्ड क्वेश्चन। अ सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक फिटेड विद अ मैकेनिकल स्लज रिवॉल्व यूनिट इज टू बी ट्रीट 4 million liters ऑफ वाटर पर डे। अगेन 4 MLD के बारे में बात कर रहा है। द डिटेंशन पीरियड ऑफ द टैंक इज 5 liters ऑफ इफ डेप्थ ऑफ द टैंक इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ 3 meter कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द टैंक। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, दिस इज योर रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक, वेयर एज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर फॉर द सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक। सो लेट अस गो विद द सॉल्यूशन। द क्वांटिटी ऑफ रॉ वाटर टू बी ट्रीटेड पर डे कितना है आपका यहाँ पे, 4 MLD बोला है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट अस कन्वर्ट दिस, दिस इज नॉट 106, दिस इज 10 × 10^6, ठीक है। प्लीज कन्फ्यूज मत करना, मत होना, ये थोड़ा टाइपो एरर है, नथिंग एल्स। सो quantity of raw water to be treated during a sedimentation period, that is the capacity of the tank, हमने निकाला है यहाँ पे volume, okay, so volume will be 833 meter cube, okay, 833 meter cube is the volume. Now एक बार आपको volume मिल गया, the capacity of circular tank of the depth h and dia d is given by this formula, आपने ये formula में रख के, we assume h is equals to 3, No, we have to assume it is in the question. अब h is equals to 3 mention करो करके बोला है, restricted to 3 meter बोला है. So let us put all the value in this basic equation. So volume हमारे पास में 833 है, d square as it is. So 0.11 d plus 0.7885 into h. So यहाँ पे हम h का value रख रहे हैं 3, okay, v का value हमने रखा. So here we are trying to calculate the value of d. If you solve by trial and error method or by using your calci, वो भी आपका iteration method में ही जाता है. So if you calculate this, so d is equals to 18.05. The diameter of the tank is 18.05 meter. Suppose that if you think this diameter is very high, आपका ये 10, आपका जो 18.05 diameter बहुत high है, बहुत आपको larger area लगेगा. So what you can do, you can reduce it. And you can provide 2 tanks. अगर आप देखोगे तो आप इसको 2 tank provide कर सकते हो. That is also okay. ठीक है. तो उस केस में क्या हो जाएगा? The diameter of the tank will be, diameter of one tank will be 9 meters. ठीक है. और 9 meter देना is feasible. That is okay. पर 18 meter का diameter tank देना थोड़ा सा non-feasible हो जाता है. But anyhow, this is your 4 MLD की बात कर रहे थे. Okay, so let us move further for the next numerical. Design of sedimentation tank rectangular in a shape to treat 2 million liters of raw water with a detention period of 2 hours and overflow rate less than 45,000 liters per day. Yani yahan pe fir se 200 MLD ke bare mein baat kar raha hai, theek hai. Uske sath mein uska detention hour kya hai, 2 hours hai, okay. Overflow rate bhi aapka diya hua hai, that is 45,000 liters per day. Okay. The water contains 700 mg per liter of a suspended solid. Now this is little bit tricky. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे 700 mg per liter of suspended solid यहाँ पे present है. 35% of which are settleable. इसमें से 35% जो है bottom में settle हो जाते हैं easily. Calculate the volume of a sludge storage. अभी आपको क्या करना है, स्लज कितना स्टोर हो रहा है आपको वो कैलकुलेट करना है. मेरे को 10 मिनट और लगेगा सर, आप लोग जाओ 10 मिनट और लगेगा. हाँ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेट्स गो फॉर दैट. सो यू हैव टू कैलकुलेट द स्टोरेज
वॉल्यूम ओके आपके कितना वॉल्यूम कितना स्टोर आप कर सकते हो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो लेट अस गो विद द सॉल्यूशन. सो हियर वॉल्यूम इज इक्वल टू डिटेंशन पीरियड इनटू डिस्चार्ज. बेसिक फॉर्मूला आपको आपने यूज करना है यहाँ पे. सो डिटेंशन पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ओके और 24 आवर से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. सो 2 डिवाइड बाय 24 ओके मल्टीप्लाई बाय आपका डिस्चार्ज भी दिया हुआ है कितना दिया, 2 MLD दिया हुआ है. सो 2 इंटू 10^6 डिवाइड बाय 1000. सो हम जब इसको कम्प्लीटली कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको मीटर क्यूब में हमने कैलकुलेट किया है. सो दिस इज अराउंड 166.67066 मीटर क्यूब. नाउ लेट अस अज्यूम द डेप्थ दैट इज 3 मीटर. वी आर अज्यूमिंग द डेप्थ दैट इज 3 मीटर. अर्ली ऑल्सो आई टोल्ड यू यू कैन अज्यूम 3, यू कैन अज्यूम 3.5, यू कैन अज्यूम 4, दैट इज कम्प्लीटली ओके, कोई इशू नहीं है. बट आपका अजम्पशन वहां पे नोट होना चाहिए, वो आना ही चाहिए, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे. तो सरफेस एरिया आपको निकालना है तो क्या होगा, आपको जो वॉल्यूम है डिवाइड बाय अपने डेप्थ करेंगे. सो व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग द सरफेस एरिया. सो 166.66 डिवाइड बाय 3 दैट विल गिव यू 55.55 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर सरफेस एरिया. हम जब सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो सरफेस एरिया होता क्या है, ये आपका जैसे टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक है. सो दिस इज योर वाटर लेवल. अगर मैं इसको टॉप व्यू में अगर देखना चाहूँ तो टॉप व्यू में दिखेगा कैसा, उसका सरफेस एरिया ही दिखेगा लाइक दिस. तो दिस इज योर सरफेस एरिया, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है. सो लेट अस प्रोवाइड 2 यूनिट्स. हम ये अज्यूम कर रहे हैं स्टार्टिंग में कि हम 2 यूनिट प्रोवाइड करेंगे. हम 2 यूनिट कब प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर हमें कभी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन भी करना रहा कुछ, अगर जरूरत पड़ रही है हमको मेंटेनेंस ऑपरेशन करने के लिए, तो हमें पूरे प्लांट को शट डाउन करने की जरूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, पूरा जो लोड है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक यूनिट के ऊपर में डाइवर्ट कर देंगे और दूसरा जो यूनिट रहेगा आप उसको क्लीन कर सकते हो, उसको मेंटेनेंस कर सकते हो. जब उसका वर्क डन खत्म हो जाएगा देन यू विल शिफ्ट टू योर सेकेंड वन ओके. सो इन दिस वे द मेंटेनेंस पार्ट इज गोइंग ऑन. सो दैट इज वाई जनरली वी प्रोवाइड 2 or more than 2 okay. So you can provide by yourself by dividing 2 only. If someone wants that, I want 3, mujhe 3 tank provide karne, so you can divide by 3. But ek baar question mein zarur dekh lena ki what is the need of question. Question mein agar kahin restrict to nahi kiya ki aapko 2 tank provide karna hai ki 3 tank provide karna hai, wo restriction ek baar zarur apne question mein check kar lena hai, theek hai. If somebody wants that कि नहीं मुझे बस एक ही टैंक में प्रोवाइड करना है तो ये तुम वो भी कर सकते हो, that is not an issue. लेकिन it's better conceptual point of view से, क्योंकि हमें operation and maintenance में भी एक standby में रखना पड़ता है operation and maintenance के लिए. So that's why if you provide 2 or more than 2 that is well and good. So here we'll take a length into breadth is equals to 3:1. अभी देखो ये आपका rectangular करके हम ये ratio ले रहे हैं. I repeat. अभी आपका रेक्टेंगुलर शेप में है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें रेशियो हमने लिया है. रेशियो हम क्या ले रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 3:1. लेंथ आपका 3 मीटर रहेगा तो आपका जो विड्थ होगा वो आपका 1 मीटर होगा. देयरफॉर प्रोवाइडिंग 2 यूनिट्स, आपने ये यूनिट्स प्रोवाइड किया है. देयरफॉर 3b² इज इक्वल्स टू 27.28. तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, हमने अपना b निकाल लिया. Now somebody say कि ये आया कहाँ से, 3b² कहाँ से आ गया आपका. तो अगर आपका l is to b is equal to 3:1 है तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, l की वैल्यू आपकी क्या है, 3 है ठीक है, और b का वैल्यू क्या है आपका, 1 है ठीक है. Now if I talk about the area, surface area, तो हम क्या लिखेंगे उसको, हम क्या लिखेंगे, l into b ही लिखेंगे या और कुछ लिखेंगे. We'll write area is equals to l into b, हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा राइट. तो हम क्या करेंगे, हम l की वैल्यू क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे. आई रिपीट, हम l की वैल्यू क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे. सो विल पुट 3, बट सिंपली 3 करने से सफिशियंट होगा क्या, या मुझे 3b लिखना पड़ेगा. जस्ट थिंक ऑफ इट, ये सिंपली 3 ही सफिशिएंट है या 3b लिखना पड़ेगा,
क्योंकि रेशियो देखो, रेशियो क्या बोलता है, दिस इज 3:1 बराबर है, दिस इज 3:1, अगर बी आपका 1 होगा तो लेंथ कितना होगा आपका 3 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि l इज इक्वल टू व्हाट 3b, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि l इज इक्वल टू 3b, ये आपका 3b है एज पर दिस रेशियो, ये रेशियो के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, ये l की वैल्यू को मैंने क्या किया यहाँ पुट अप किया, सो दिस विल बी 3b। नाउ 3b मल्टीप्लाई बाय b, व्हाट इट विल गिव यू, व्हाट इट विल बी गिव यू, इट विल गिव यू दिस 3b2। ये क्या आपको दे रहा है, ये आपको दे रहा है 3b2 बराबर है। नाउ 3b2 इज इक्वल्स टू, ये हमने जो कैलकुलेट किया दैट इज 27.78, हमने इसको क्या किया कोरिलेट किया, नाउ सिंपल कैलकुलेशन हमने किया एंड व्हाट वी आर गेटिंग, दिस विड्थ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक इज 3 मीटर। हमें सर वापस एक्सप्लेन करो ना, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूं? ओके हां हां सर, नहीं समझ रहे हैं सर, बी वापस कैसे आया, 3b कैसे आया? ओके लेट मी टेल यू अगेन, अभी ये हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है ठीक है, ये उसका हमने क्या बनाया सरफेस ओवरफ्लो रेट, सॉरी ये उसका सरफेस एरिया हो गया। अब उस सरफेस एरिया में ये क्या है उसका, ये हो गया आपका लेंथ बराबर है, ये हो गया लेंथ और ये हो गया आपका विड्थ बी। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, रेशियो हम ले रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है 3:1, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये एक विड्थ है, बी की वैल्यू अगर आपकी 1 है ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या है 3 है बराबर है। बी की वैल्यू अगर 1 है, जैसे ये एल की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू क्या है 3 है। लेकिन इसमें एक और कोरिलेशन है, इसमें आपका एक और कोरिलेशन है, वो कोरिलेशन कैसा है कि जो L है, ये L क्या है, L is your thrice of B, L is what thrice of B। अभी भी मुझे बताओ ये समझा या नहीं समझा, मैं नहीं तो और दूसरा इसे बताता हूं मैं। If you not got this, let me tell you in another way. Let me tell you in another way, उसको आप समझने के लिए ऐसा करो, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, राइट, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, लेट अस लाइक नोट डाउन लाइक दिस, एल बाय बी इज इक्वल्स टू 3/1। मुझे पहले बताओ कि ये जो मैंने रीअरेंजमेंट किया है ये बराबर है या नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने लिखा है एल एस टू बी इज इक्वल टू 3:1, ये जो रेशियो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, आर यू कन्विंसिंग विद दिस और नॉट, पहले तो मुझे ये जानना है, एम आई गेटिंग और नॉट, आई रिपीट ये जो L is to B है, यानी क्या है, this is L by B is equals to 3:1, यानी क्या है 3/1 बराबर है। आप इसको convince करते हो या नहीं करते हो, मतलब मुझे पहले तो यही पूछना है, अगर आप इसको मानते हो ये बात को, अगर ये fundamental सही है, उस केस में क्या हो जाएगा, इसके basis में आपका जो L है, L is equals to what, L is equals to what, it is 3b बराबर है ना, समझ रहा है ना। So, इसके बेसिस में मैं बोल रहा हूँ कि L is equals to what 3b। अब हमने क्या किया कि सरफेस एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है बराबर है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमने क्या किया, दिस इज योर एरिया, सरफेस एरिया ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। अब नाउ ये जो L है, ये जो L की वैल्यू है दैट इज 3b बराबर है, ये 3b को उठा के मैंने क्या किया, ये L की जगह पे रख दिया लाइक दिस, दिस 3b। नाउ 3b मल्टीप्लाई बाय b, व्हाट इट विल गिव यू, इट विल गिव यू 3b2 बराबर है, ये जो रहेगा ये आपको देगा बाद में 3b2। ओके, इस 3b2 को उठा के मैंने क्या कर दिया, यहां रख दिया, व्हाट इज दिस 3b2, दिस इज योर एरिया ओनली ना,
तो मैंने क्या किया, 3b² LHS में लेके आ गया, और जो उसकी वैल्यू है एरिया की वो मैंने क्या किया, उसको मैंने यहाँ पे पुट अप कर दिया. ओके, ऑन दिस बेसिस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ b. हमने क्या निकाला, ये b का वैल्यू निकाल लिया, विड्थ निकाल लिया. ठीक है, एक बार ये आपका विड्थ निकल गया तो अगेन यूजिंग अदर रिलेशन, ये आपका विड्थ आ गया, एक बार आ गया 3 आ गया 3 meter. सो 3 × 3 विल गिव यू दिस लेंथ दैट इज 9. वही हमने निकाला यहाँ पे, हेंस b इज इक्वल टू 3 meter एंड l इज इक्वल टू 3b. 3 हो गया और b का वैल्यू हमने 3 लिया, सो दिस विल बी 9 meter. ओके, सो लाइक दिस आपका हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लेंथ निकाल लिया पूरा. नाउ q डिवाइड बाई सरफेस एरिया इज इक्वल टू 10 × 6 × 27.78. तो यहाँ पे हम ये रेशियो निकाल रहे हैं, दैट विल बी 3597.12 लीटर्स पर डे पर मीटर स्क्वायर. ओके, विच इज लेस देन 45,000 लीटर्स पर डे. हमने ये निकाला क्यों है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कितना, कि 45,000 लीटर्स पर डे पर मीटर स्क्वायर. कि हम क्या बोल रहे हैं, हमने चेक किया तो हमको ये पता चल रहा है कि विच इज लेस देन दिस क्वेश्चन वैल्यू. ओके, हैंड सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट. क्या हो रहा है इसमें, ये हमने क्यों निकाला, ये हमने कल थ्योरी में भी देखा था, ये हमने क्यों निकाला, अगर ये इस वैल्यू से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, आपके सेडिमेंटेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम होगा, वो वाटर आपका स्टेग्नेंट नहीं रहेगा, ठीक है, टर्बुलेंस ज्यादा रहेगा. ओके, सो फॉर दैट इट इज क्वाइट कन्विंसिबल एंड सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट. द वॉटर कंटेंट 700 mg पर लीटर ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड. नाउ हम यहाँ पे आ गए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन के सब क्वेश्चन में, that water contains 700 mg. कहाँ से ले रहे हैं हम ये 700? This is your given data. ये हमने लिया Q value 10^6. Q value. That is 10^6 only. क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सरफेस एरिया में निकाल लिया ना, तो सारा कुछ हमने इसको कैलकुलेट कर लिया ऊपर में. Now we are taking only यूनिट सरफेस एरिया हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं. So that's why simply हमने 10^6 को ही कंसिडर किया है इसमें. ओके, सो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड पर टैंक इज, कहां से ले रहे हैं हम लोग, ये 700 mg पर लीटर इनटू 10^6 यानी टोटल के लिए. सो दैट विल गिव यू इन हां, और एक और चीज इसमें क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि दैट 35% ऑफ व्हिच आर सेटलेबल. आपके देखो टोटल सॉलिड तो आपको दिया हुआ है आपका 700 mg पर लीटर, लेकिन उसमें भी जो 35% है वही आपका सेटलेबल है. तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने सेटलेबल सॉलिड्स आपके पास में आ रहे हैं, या क्या अमाउंट में, क्या वॉल्यूम में आपका सेटलेबल सॉलिड आ रहा है आपका. सो 700 × 10^6 mg पर डे एंड आउट ऑफ दिस 35% आर सेटलेबल. सो हमने क्या किया, 700 × 10^6 उसको हमने मल्टीप्लाई किया अपने 35% यानी 35/100. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस 0.35. On this basis, we will calculate further. Okay, so that this will be in mg per day. Now, cleaning period is also required. और वो रहेगा 1 month का, for वो रहेगा आपका 30 days का. So therefore, for 30 days, quantity of a settleable solid per day. I repeat, therefore, the 30 days quantity of settleable solid per tank. यानि अगर आप बोल रहे हो कि cleaning frequency आपको करना है, cleaning frequency हम बोल रहे हैं कि हम 1 महीने बाद उसको आप मेंटेनेंस ऑपरेशन में लेके आओगे, लेकिन हमने जो कुछ यहाँ पे निकाला, व्हाट इज दैट, दिस इज योर एमजी पर डे, एक दिन में इतने एमजी वहाँ पे सेटल हो रहा है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि 30 दिन में कितना एमजी वहाँ पे सेटल हो रहा होगा. जब वो 31वें दिन में जाओगे या नेक्स्ट मंथ में जाओगे तो क्लीन तो आपको करना पड़ेगा. तो उतने 30 डेज का जो डिपॉजिट होगा वो हम यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर दैट व्हाट यू विल डू, ये आपने निकाला पर डे के लिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 30 डेज कर दूंगा, ठीक है, तो ये आपको 1 महीने का जो डिपॉजिट है वो दे रहा है. ठीक है, ये वैसा आ गया 30 × 3.5 × 700 × 10^6. ओके, नाउ अब इसको हमने क्या किया है, केजी में कन्वर्ट किया है, डिवाइड इसको हमने क्या किया, केजी में कन्वर्ट किया है, इसलिए हमने इसको 10^6 से डिवाइड किया. So what we are getting here, 7,350 kg. अब यहाँ फिर से ध्यान दो,
ये एमजी में है, उसको हमने क्या किया केजी में कन्वर्ट किया है, दैट्स व्हाई डिवाइड बाय 10 पावर 6 किया हम लोगों ने, सो दिस इज कमिंग 7350 केजी. ठीक है, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द स्लज स्टोरेज पर टैंक, आपके एक टैंक में एक महीने में कितना स्लज स्टोर होता है, सो दैट विल बी 7350 डिवाइड बाय 1000, सो दिस विल बी 7.35 मीटर क्यूब. अभी आपका केजी में था, केजी को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 किया हमने, सो दिस विल बी 7.35 मीटर क्यूब. ओके, इफ यू वांट टू राउंड ऑफ यू कैन डू इट, नहीं करना है तो मत करो, सो दैट विल बी फाइनल 7.5 मीटर क्यूब. तो इतना आपका जो स्लज है, अगर 35% सेटलेबल भी होगा तो एक महीने में इतना स्लज आपका जमा होता है उस टैंक में, ये हमारा क्वेश्चन था. ओके, सो आई एम कंटिन्यूइंग विद 5 or 10 मिनट्स मोर एंड आई विल वाइंड अप दिस क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ कंटिन्यूस फ्लो सेटलिंग टैंक 3 मीटर डीप, यानी डेप्थ दे दिया है 3 मीटर का एंड 60 मीटर लॉन्ग यानी लेंथ दे दिया है, वॉट फ्लो वेलोसिटी ऑफ वॉटर वुड बी रिकमेंडेड, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लो पूछ रहा है कि कितना हमें रखना चाहिए, क्या आप रिकमेंडेड करोगे फॉर इफेक्टिव रिमूवल ऑफ 0.025 mm पार्टिकल. यहाँ पे देखो पार्टिकल की बात कर रहा है, यानी आपको कहीं ना कहीं जाके आगे स्ट्रोक्स लॉ आने के चांसेस हो सकते हैं, और सेटलिंग वेलोसिटी आपको निकालना है, वो भी आपका चांसेस है. ठीक है, और द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ पार्टिकल इज 2.65, यानी कि क्या दे दिया, रो जी या रो पी, आप जो भी आप कहना चाहिए, या रो डी. एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी कि आपको दे दिया म्यू. ठीक है, म्यू की वैल्यू दे दिया है, ऑफ वाटर मे बी टेकन एज 0.01 सेंटीमीटर 21 सेकंड. ठीक है, सो इतना डेटा आपको दे दिया है, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. द सेटलिंग वेलोसिटी वी फ्रॉम इक्वेशन किससे आएगा, आपका स्टोक्स लॉ से ही आएगा. सो सेटलिंग वेलोसिटी का इक्वेशन होता है वी वी इज इक्वल टू, यहाँ देखोगे तो वी एस भी लिखा रहेगा, सो नो नीड टू वरी. वी वी स्टैंड फॉर द वर्टिकल. ओके, वी वी स्टैंड फॉर द वर्टिकल, और वी वर्टिकल जो आपका सेटल होता है दैट इज सेटलिंग वेलोसिटी ओनली, सो नो नीड टू फॉर कंफ्यूजन. वी एस इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर डिवाइड बाय 18 वी जी एस, समवेयर इट इज राइटिंग एज अ जी एस, समवेयर इट इज राइटिंग एज अ रो एस, सो नो नीड ऑफ कंफ्यूजन. रो एस माइनस 1, वेयर एज यू विल टेक डी इज इक्वल टू 0.025 mm. इफ यू कन्वर्ट दिस इन सेंटीमीटर, वाई वी आर कन्वर्टिंग इन सेंटीमीटर, बिकॉज स्टोक्स लॉ कहता है कि ये जो आपका फॉर्मूला है दिस इज फॉर सेंटीमीटर, सो वी हैव टू कन्वर्ट इन द सेंटीमीटर. ओके, सो फॉर दिस यू विल टेक द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 981, यू हैव टेकन द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 0.0025 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 18, एंड द वैल्यू ऑफ म्यू, ये दिस इज म्यू, द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 0.01, एंड रो जी और रो एस इज इक्वल टू 2.61. सो इफ यू कैलकुलेट द होल थिंग then you will get the settling velocity will be equals to 0.0562 centimeter second. Okay, so from this equation, above equation only, we can find out the length, we can with the use of this ratio, we can find out h, we can find out l, whatever you require, you can calculate it. You can calculate the horizontal velocity which tends to particle to move forward in the sedimentation tank or settling zone, that also you can calculate by using this. But let us see what is with us. So where VH is equals to flow velocity. Flow velocity yani ka matlab ye hoga ki jab particle trajectory path follow karta hai to ek velocity niche hoti hai aur ek velocity aapki horizontal mein aati hai. To hum iski baat kar rahe hain, this is known as VH, hum yahan ki baat kar rahe hain. Okay, the VV is the settling velocity, yani ki iske bare mein baat kar rahe hain hum log. Okay, L is equal to length of the tank, that is 60. आपका ये length का tank दिया हुआ है, that is 60. Okay, ये length दिया हुआ है. The height of the water tank is also given. Sorry, H है, that is 0.6 meter. The free bore out of the total depth. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? 3 meter हमने ये रखा है, जिसमें से free bore बोला है. देखो, sorry, एक और चीज में थोड़ा सा confuse नहीं करना चाहता. Say suppose करो. This is your tank and this is your water level. Okay, this is your water level. Now,
Now, this let us suppose that this is the total height. यहाँ तक है. This is the total height. So this is your 3. Okay, this is your 3 meter. But this is your water level. तो ये water level से इस tank का जो top होगा, ये कुछ हम लोग free space छोड़ देते हैं. This is known as your free board. इसको हम बोलते हैं free board. ये जो एक स्पेस आपका रह जाता है टॉप से लेके आपका वाटर लेवल सरफेस तक के, तो दैट इज नोन एज फ्री बोर्ड. नॉर्मली जनरली वी प्रोवाइड 0.3 to 0.6 एज अ फ्री बोर्ड. सफिशियंट है, आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो. यू कैन चूज एज अ 0.3, यू कैन चूज एज अ 0.6, बोथ आर ओके. ओके, बट दिस इज इंक्लूसिव इन द हाइट ऑफ द टैंक. दैट इज इंक्लूसिव इन द हाइट ऑफ द टैंक. देयरफॉर वाटर डेप्थ इन द टैंक, देखो वाटर डेप्थ ऑफ द टैंक, जब ये आपका फ्री बोर्ड है तो एक्चुअली आपका वाटर डेप्थ क्या हो रहा है, तो ये आपने निकाला है. ठीक है, ये आपने कैसे निकाला, बाय दिस. टोटल डेप्थ कितना है, 3 माइनस फ्री बोर्ड, दिस विल गिव यू 2.4 meter. देयरफॉर VH इज इक्वल्स टू 0.0562. अभी 0.562 कहां से आ गया, वी आर कंसिडरिंग फ्रॉम दिस. ओके, ये कहां से हम ले रहे हैं, ये रिलेशन हमने कहां से निकाला, ये रिलेशन हमने निकाला है यहां से. तो नो नीड ऑफ कंफ्यूजन. VH इज इक्वल्स टू 0.0562, और उसमें भी आपका जो लेंथ है दैट इज 0.60, और आपका जो ये है कैपिटल H है दैट इज 0.024 meter. ओके, एवरीथिंग इन मीटर. ओके, अब इसको कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर में, एंड फर्दर आप जब कैलकुलेशन करोगे सो दिस विल बी 1.405 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, सो आपने VH भी निकाल लिया, आपने VH भी निकाल लिया, सो बोथ ऑफ द थिंग्स यू हैव डन ओवर हियर. देयरफॉर टू इंश्योर इफेक्टिव रिमूवल ऑफ पार्टिकल अप टू 0.025 mm, द फ्लो वेलोसिटी इन द सेटलिंग टैंक शुड नॉट बी मोर देन 1.405. अगर इस वेलोसिटी से आपका, अगर इस वेलोसिटी से आपकी पार्टिकल का वेलोसिटी ज्यादा होगा, व्हाट विल हैपन, आपका जो पार्टिकल है वो सेटल नहीं होने वाला है. ठीक है, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट फॉर द सेडिमेंटेशन टैंक. हमने 5 वैरायटी ले लिया, चार वैरायटी लिया सेडिमेंटेशन टैंक में. इसमें से कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, और आपको भी यही आपको असाइनमेंट में रहेगा आपका. यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू डिजाइन एज पर योर रोल नंबर एंड वॉट एवर योर रोल नंबर मल्टीप्लाई बाई 10. तो आपको उससे उतने के लिए डिजाइन करना है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. स्टिल इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट यू कैन स्टे ओवर हियर, और यू मे लीव बाई पंचिंग योर रोल नंबर्स. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you.